नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हम सभी जीवन में परिश्रम तो करते हैं, बिना परिश्रम के कोई भी नहीं रहता। और परिश्रम किया जाता है सफलता के लिए। हम जिस भी कार्य में हाथ डालें उसमें हम सफल हों, ये हमारी कामना रहती है। लेकिन सफल वही होता है जो लगातार परिश्रम करता है। परिश्रम का सचमुच कोई दूसरा पर्याय नहीं है। और इसी परिश्रम को लिए हुए आज का सुंदर सुवाक्य लेकर हम आपके सम्मुख आए हुए हैं, जो हमें प्रेरित करता है कि अपने जीवन में हार्ड वर्क को जरूर स्थान दें। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। जब मैं अपनी मेहनत को बढ़ाता हूँ तो मेरी किस्मत अपने आप बढ़ जाती है। थॉमस जेफरसन। दोस्तों, हमने अपने जीवन में भाग्य को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है। जब भी हम भाग्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हम किसी ऐसी चीज को शक्ति दे रहे हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसलिए कहा जाता है कि किस्मत तब बनती है जब अवसर और तैयारी एक दूसरे से मिलते हैं। अवसर हर जगह है, लेकिन जो तैयार नहीं है वह उन अवसरों को देख नहीं सकते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और समय बीतने के साथ आप भाग्यशाली होते जाएंगे। सच है मित्रों, परिश्रम का पसीना जीवन को सोने की तरह चमका देता है। चमकना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अनिवार्य जो बात है वो ये है कि हम परिश्रम जरूर करें। जितना परिश्रम होगा उतना ही जीवन निखरता चलेगा। आपका जीवन समृद्धि से, सफलता से परिपूर्ण हो, यही हमारी कामना रहती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा स्वास्थ्य भी निभाता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम खुशी खुशी परिश्रम भी करते हैं और जीवन के हर पहलू का आनंद लेते हैं। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में हम लेकर आए हैं स्वस्थ जीवन की 7 सुंदर सूत्र। आइए देखते हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, निरोगी से भी बढ़कर है स्वस्थ रहना, स्व की स्थिति में रहना। स्वास्थ्य पर हमारी जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रभाव है। जीवन शैली अर्थात 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं। पहले भोजन, डाइट का प्रभाव, खान पान का प्रभाव। दूसरा शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा है नींद का प्रभाव, किस क्वालिटी की है और कितनी है। चौथा है व्यसनों के अधीन रहना। कई पदार्थ ऐसे हैं जिसके हम आदि हो जाते हैं और उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। पांचवा है हमारे संबंधों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर। छठा है हमारे मन की स्थिति, मन के विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। सातवा है जहाँ पर हम काम करते हैं उस स्थान का प्रभाव और वहाँ के लोगों का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमात्मा के साथ हमारा संबंध, उनसे हमारा कनेक्शन, इसका प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। ओम शांति। मित्रों, प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के 3 या 4 विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। यदि हम सही विकल्प का चयन करते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। गलत का चयन करते हैं तो हमारे मार्क्स पूरे कट जाते हैं, हमें दुखी होना पड़ता है। जीवन भी एक प्रश्न पत्र की तरह ही है, जिसमें कई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, कई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, कई बातें आती हैं। यदि उस समय हम सही चीज़ का चयन करते हैं तो जीवन खुशहाली और सफलता से भर जाती है। और यदि हमारा चयन गलत होता है तो निराशा, दुख वो घर कर जाते हैं। चयन बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस बात का चयन करें ताकि जीवन खुशहाल रहे, इसी पर अपनी सुंदर बात आज रख रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी।
सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। घर के दरवाजे की कॉलबेल बजी तो बच्चे ने दरवाजा खोला। सामने तीन दिव्य पुरुष खड़े थे। दिव्य पुरुषों ने अपना नाम बताया। एक ने कहा मैं धन हूं, दूसरे ने कहा मैं वैभव हूं, तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। बच्चे ने कहा क्या चाहते हैं आप? तीनों ने कहा कि हम तीनों में से कोई एक आपके घर आना चाहता है, कौन आ जाए? बच्चे ने कहा ये तो मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। बच्चा पापा के पास गया, कहा कि तीन दिव्य पुरुष खड़े हुए, किसे अंदर बुला लूं? पापा ने कहा कि ऐसा कर धन को बुला ले। मम्मी ने कहा ऐसा कर वैभव को बुला ले, चकाचौंध रहेगी, ऐश्वर्य रहेगा। बच्चा दरवाजे के करीब आया तो उसे धन और वैभव में कोई रुचि नहीं थी। उसे लगा कि मैं तो प्रेम को बुला लेता हूं। बच्चे ने प्रेम से कहा आप अंदर आ जाइए। जब प्रेम अंदर आने लगा तो धन और वैभव भी प्रेम के साथ साथ अंदर आने लगे। बच्चे ने कहा मैंने तो केवल एक को ही अंदर बुलाया है। तो धन और वैभव ने कहा कि जहां प्रेम होता है वहां हमें अपने आप जाना ही पड़ता है। नमस्कार। मित्रों, मेरा एक मित्र है जो हमेशा मुझे कहता है कि तुम जो ये सब रंग करते हो उसमें से जो एक सेगमेंट है स्पिरिचुअल इंडिया, वो मुझे बहुत भाता है। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। वो इसलिए भाता है उसे क्योंकि वो कहता है कि अलग अलग भारत के जो रंग हैं सब रंग में तुम वो दिखाते हो, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी ये जानकर खुशी हुई और मुझे लगता है ये जो सेगमेंट है आपको भी बहुत भाता होगा, क्योंकि घर बैठे हम अपने देश के सुंदर दर्शन करते हैं, अलग अलग भागों के दर्शन करते हैं और उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, उस कला और संस्कृति को जानते और पहचानते हैं जो हमें जानना चाहिए। गर्व महसूस होता है अपने देश पर। चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूँ हिमालय की गोद में बसे हुए एक सुंदर से प्रदेश की ओर, जो अपने मठों और मंदिरों के लिए जाना जाता है और जिसकी खूबसूरती का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, सिक्किम। सिक्किम, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देख के मन परमात्मा की याद में स्वतः ही खो जाता है। यहाँ की राजधानी गैंगटॉक की गिनती भारत के साफ सुथरे और सुव्यवस्थित शहरों में होती है। इसे लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ की गुरु डोंगमार नामक झील में हमेशा बर्फ जमी रहती थी, जिस कारण स्थानीय लोगों को पानी की कमी होती थी। यह बात जब गुरु पद्म संभव को पता चली तो इस समस्या के निदान के लिए गुरुजी ने झील के एक हिस्से को स्पर्श किया और बर्फ पिघल गई। दोस्तों, कड़ाके की ठंड में भी झील का ये हिस्सा आज भी बर्फ में तब्दील नहीं होता। यहाँ का लाचुंग गांव बहुत विशेष है। यहाँ आज भी लोग अपने पारंपरिक सिक्किमीज कल्चर को प्राथमिकता देते हैं। वहीं इस राज्य के लोगों ने जैविक खेती को खुले दिल से अपनाया है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं लोसुंग, दुरुपका तेशी, बुमचू, सागा दवा, लोसार और सांग लसूल। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं हनुमान टोप, कीर्तेश्वर महादेव मंदिर, सोलोपुक चारधाम, ठाकुरबरी मंदिर आदि। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे सेल्फ मैनेजमेंट, 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स यहाँ निःशुल्क सिखाया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ पहलू सिक्किम के बारे में। मित्रों, कहते हैं नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है। अपने मन को सुमन बनाना, अपने मन को नियंत्रित रखना, अपने मन को सही दिशा देना, ये बहुत बड़ी कला है और यही कला सिखा रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जन जन को। अलग अलग स्थानों पर ये सुंदर कार्य ये विद्यालय करता रहता है। आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि ये सेवा कार्य कहां कहां चल रहे हैं।
के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। ये हम तभी समझ पाते हैं जब उस व्यक्ति को हम करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत के जीवन को आज हम और करीब से जानने की कोशिश करेंगे, जिसने देश की सेवा के लिए अपनी भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब की, जिनकी कहानी जितनी रोचक है उतनी ही संघर्षों से भरी है। कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा और फिर कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। अपनी काबिलियत, अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा किया, तभी आज वह मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। उनके जीवन के कई और अनसुने किस्सों को जानेंगे ब्रह्मकुमारी संस्थान के गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रायोजित एक मुलाकात में। देखें इसके कुछ खास झलकियां। आप उनके मन के अंदर से ड्रग्स को खत्म करना, मन के अंदर से चोरी डकैती जो किया है उससे निकालना, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो इसके लिए इनके अंदर से वो सोच परिवर्तित करके उसको लाना है मेनस्ट्रीम। तो वो काम बखूबी ब्रह्मा कुमारी की बहन लोग हमारे त्रिपुरा में करती है, बस पूरी दुनिया भर में ही करती है। सुनेंगे बिप्लव कुमार देब की कहानी उनकी ही जुबानी एक मुलाकात में, जल्द ही पीएम टीवी पर। मित्रों, कहते हैं कि जब तक हम किसी कार्य को करने की कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तब तक वो कार्य हमें नामुमकिन ही लगता रहता है, चाहे वो कार्य आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ हो या फिर हमारे सांसारिक जगत से। तो क्यों ना हम एक कदम हिम्मत का अवश्य बढ़ाएं, ताकि हम उस कार्य को सहज और सरल बना पाएं। विश्वास कीजिए, जब आप हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो परमात्मा की भी हजार गुना मदद प्राप्त होती है और हमारे अंदर का भी एक सुंदर विश्वास जागृत होता है जब हम उसे क्रियान्वित होता हुआ देखते हैं, फलीभूत होता हुआ देखते हैं, और हमें महसूस होता है कि अरे ये कार्य तो बड़ा सहज और आसान था। तो क्यों ना हम आध्यात्मिक जगत में भी और साथ ही अपने सांसारिक जगत में भी, जिन्हें हम कठिन समझते हैं, उन कार्यों की ओर भी अपने पग बढ़ाएं और ईश्वर की मदद का और साथ ही अपनी आत्मशक्ति का अनुभव करते चलें। आज का दिवस आपका बहुत बहुत शुभ और सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।